नमस्कार सभी देखने वालों को, सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग। आज हम बहुत थोड़े से समय के लिए लाइव आए हैं यहाँ पे, और एक बहुत ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट में हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्टेक्स्ट है। 21 तारीख को, 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे, विश्व कविता दिवस है, और उसके उपलक्ष्य में मुझे लगा कि क्यों ना मैं रोज़ किसी एक ऐसे पीस के विषय में बातचीत करूं जो कविता से प्रेरित हो। तो बहुत ही थोड़ा सा समय लूंगी आपका, 10 मिनट यदि आपके पास हो। वीडियो आ रही है, सबको दिखाई पड़ रहा है ना? आई होप समबडी कैन गिव मी अ चेक। ओके या अजय, कैन यू सी मी? दिख रही हूँ मैं? एक दफा चेक कर लें, उसके वीडियो क्रैक हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं फिर भी मैं शुरू करती हूँ। इट्स क्लियर, सम पीपल आर सेइंग यस एंड सम आर सेइंग नो, बट ओके आई विल बिगिन रिगार्डलेस। तो 21 तारीख को विश्व कविता दिवस है, तो मुझे लगा कि रोज़ एक ऐसे पीस के विषय में बात की जाए जो कविता से प्रेरित है, या फिर जो कविता से उपजा है, जिसका जन्म कविता से हुआ है। तो आज एक जो मैं जिस अब कविता है क्या, मतलब व्हाट इज रियली पोएट्री टू यू? तो मेरे अनुसार कविता है, कविता वो चीज़ है या कवि वो काम करता है किसी भी भाव को सुंदर तरीके से बोलने का काम वो कवि करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत ही सुंदर पोएम है बाय हरिवंश राय बच्चन, दैट सेज, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, बड़ी लयबाध्य सी बड़ी सुंदर कविता है। अब असल में बात तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि जो हो गया सो हो गया। अब ये बात हम रोज सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब हमने उनके शब्दों में सुनी ये बात तो कहीं गहरा असर करती है। तो मेरे अनुसार कविता वो है, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि कविता वो है जो किसी भी बात को बड़ी खूबसूरती से बयान कर दे, जो अंतर तक बात उतर जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अहम ब्रह्मास्मि से। अहम ब्रह्मास्मि बहुत ही पहले मैंने पीस बनाया था, और बहुत ही समय से ये थॉट जहन में था, और इस पर एक कविता लिखी थी। तो कभी भी कोई कविता मैं यदि पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कविता को लिखते समय जो कवि है, जो लिख रहा है, लेखक है, उसके जहन में क्या चल रहा था, माने आसपास क्या था, क्या स्थिति थी, क्या मनस्थिति थी। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी आपको अपनी खुद की मनस्थिति का, ये कविता लिखते टाइम जहाँ से ये पीस उपजा, अहम ब्रह्मास्मि। तो छोटा सा वाक्य है, हुआ यूं कि मैं अपने टीन एज में थी, 13-14 साल की, जो एक मुश्किल वाली उम्र होती है ना, जब आप बदल रहे होते हैं और एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तब किसी चीज़ से मैं थोड़ी सी लो थी, कहीं कुछ हारी थी। इसको रोमांटिक साइड पे मत देखिएगा। मैं बेसिकली मैंने कुछ कहीं कुछ कोशिश की थी और मैं हार गई थी। अब हुआ ये कि मैं उस दिन बड़ी उदास थी, और अपने पापा के सामने बैठी थी, रात को हम सब डिनर कर रहे थे, तो मुझे पूछे पापा कि क्या हुआ, क्योंकि चेहरा देखते समझ गए कि कुछ तो हुआ है इसको। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा बस कि मैं आज हार गई। तो मैंने उनको पूरा वाक्य बताया कि हुआ क्या, मैंने मुझे जीतने की उम्मीद थी, मुझे ये अचीव करना था पापा, लेकिन मैं कर नहीं पाई। और वो हमेशा से मेरे गाइड मेंटर रहे हैं, अभी भी हैं, और हम बड़ी बातें करते हैं। तो मुझे पास बिठा के बोले कि बेटा तो हार गई। तो मैंने कहा तो मुझे असर हो रहा है इसका, मुझे फर्क पड़ रहा है इस बात से, मुझे नहीं हारना था। तो कहने लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुमने कोशिश की, पूरी तरीके से कोशिश की जीतने की, उसके बाद तुम हार गई, तो तुम उसका असर अपने पर कितना होने देती हो, उसकी तुम ब्रह्मा हो, खुद डिसाइड करोगी तुम कि तुम्हें कितना फर्क पड़ रहा है। पहले तो खुद ट्राई करोगी तुम जीतने की, कोशिश करोगी तुम, तुम्हारे हाथ में है, और जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका असर तुम्हें कितना होने देना है अपने पर, ये तुम पर निर्भर है। अब ये बात इतनी गहराई तक उतर गई कि मैं आज तक इसके विषय में हर स्थिति में सोचती हूँ, और इट हेल्प्स मी टू बी अ पर्सन इन दैट सिचुएशन। तो आवाज़ आ रही है, आई होप, प्लीज़ यदि आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे बोले हाय मंजरी।
तो अब कविता पे आते हैं। तो फिर मैंने कुछ रातों बाद जब जहन में यह ख्याल उतरता रहा और रहा, तो मैंने ये कविता लिखी। ये मुझ पर निर्भर है कि मेरे हंसी आंसुओं को तुम पर मैं निर्भर होने दूं कि नहीं। अब यहां तुम पर आप किसी माशूक के लिए ले सकते हैं, किसी लव्ड वन के लिए ले सकते हैं, या फिर किसी स्थिति, किसी शय, किसी किसी भी चीज के प्रेम के लिए ले सकते हैं। ये मुझ पर निर्भर है कि मेरे हंसी आंसुओं को तुम पर, इस हार पर, पैसे पर, किसी भी व्यक्ति शय पर निर्भर होने दूं कि नहीं। ये मुझ पर निर्भर है, तुमको तसव्वुर में अपनी मैं कितनी भर जगह दूंगी। मैं खुद ही अपनी ब्रह्मा हूं, मैं खुद ही अपनी कर्ता हूं। ये मुझ पर निर्भर है, जहन का कितना हिस्सा हवाले तुम्हारे करना है। ये मुझ पर निर्भर है, तुम पर अब कितना मुझको मरना है। ये मुझ पर निर्भर है, तुम पर अब कितना मुझको मरना है। ये मुझे डिसाइड करना है। ये कविता थी, बस इतनी छोटी सी थी एकदम। और इन कुछ लाइंस के बाद जन्मा अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ बीच में लगा के रखा है पीस, क्योंकि इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। वहां से जन्मा अहम ब्रह्मास्मि और उसके बहुत सारे फॉर्म्स किए। फिर मैंने एक ये थंब रिंग की अहम ब्रह्मास्मि की, और फिर एक ईयर कफ भी बनाया हम लोगों ने अहम ब्रह्मास्मि का। ये शायद उल्टा दिखेगा, टेक्निकली मैं तो उल्टा दिखा रही हूँ आपको, असल में ये ऐसा है इस कान के लिए, बट मैं इधर लगा रही हूँ बिकॉज ओके। आई विल, थैंक यू रोशनी, आई विल अपलोड द पोइम। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं जब कविता में घुस जाती हूँ तो मैं मल्टीटास्क कर नहीं पाती, तो मैं मैसेजेस देखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इतनी एक ख्याल में चली जाती हूँ कि मुश्किल होता है मेरे लिए। बट थैंक यू सो मच एवरीबडी। सो आई उम्मीद है कि आपको ये कविता और इससे उपजा पीस अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मेरे लिए कोई भी क्रिएशन सिर्फ एक पीस नहीं है। मेरे लिए वो क्रिएशन एक रत जगह से निकला है, किसी एक कॉन्वर्जेशन से निकला है, किसी एक कविता से निकला है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन। उम्मीद है कि मैं रोज़, असल में 21 तारीख तक रोज़ रात को आपको लगभग इसी समय मिलूंगी, 9 बजे के आसपास, और कविताएं हर एक पीस के विषय में, कोई भी एक पीस पकड़ के उसके विषय में बातचीत करूंगी। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। आई जस्ट रिप्लाई टू सम ऑफ द मैसेजेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू काजल। आई विल गेट इन, द टीम विल गेट इन टच विद यू फॉर दैट। थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संचित, थैंक यू, हाय संचित, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू हेमंत भाई। ओके, आई विल सी यू टुमारो द सेम टाइम। इफ यू फील लाइक लिसनिंग तो प्लीज आ जाइएगा लाइव। चलती हूँ, नमस्कार।